अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन इंशाल्लाह। वेल स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड अबाउट द थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड एंड आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज एड्रिनल्स। सो वेयर एड्रिनल्स आर प्रेजेंट? अ पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट वन ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। Its outer layer is called adrenal cortex and inner is called adrenal medulla. So what is the function of medulla of adrenals or adrenal medulla? Adrenal medulla जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है दो किस्म के, एक है एड्रीनालिन एंड सेकेंड वन इज नॉर एड्रीनालिन। और कॉर्टेक्स जो है वो चार किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, डेट इज कार्टिको स्टीरोन, कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजेनिक हार्मोन। स्टूडेंट, बेसिक चीज़ ये है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ना वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिलीज करता है, जिसमें ये चार आते हैं, राइट? सो यू कैन सी इन द डायग्राम दैट एड्रिनल्स आर प्रेजेंट ऑन द वन ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, राइट? फिर हम देखते हैं वन बाय वन एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन को, राइट? फिर हम कॉर्टिकल को देखेंगे, क्योंकि पहले हमने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला इन्वॉल्व्स दीज टू हार्मोन्स, राइट? दीज बोथ आर सिक्रेटेड इन स्ट्रेस सिचुएशन। एंड इन स्ट्रेस सिचुएशन क्या होता है कि ब्लड वेसल डायलेट हो जाती हैं, ठीक है? तो सो मेजर फंक्शन इसका ये है कि ये एड्रिनालिन जो है ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है। It is in the form, it may be asked in the form of MCQs. Then noradrenaline जो है ये constrict करता है blood vessel को, which is one of the difference between adrenaline and noradrenaline. So दोनों ने क्या करना है कि sympathetic nervous system जो है उसको reinforce करना है, उसको increase करना है उसके effect को, right? तो इस तरह से एड्रिनालिन और नॉन एड्रिनालिन के बेसिक दो जो हैं डिफरेंसेस हैं, और साथ में दोनों का ओवरऑल जो फंक्शन है वो ये है कि टू रीइंफोर्स द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, राइट? इट मे बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, सो एमसीक्यूज हैव बीन इंडिकेटेड ओवर हियर। नेक्स्ट इज द कॉर्टिकल हार्मोन, ये होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, ठीक है? और बेसिकली ऐसा होता है कि ऑल टाइम यही एक्टिव होता है, लेकिन ज़्यादा एक्टिव इमरजेंसी सिचुएशन, शॉक या स्ट्रेस सिचुएशन में होता है, या इन्फेक्शन के केस में होता है, ठीक है? इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्टिसोल, ये है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वो होता है जो ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। फिर आता है कॉर्टिकोस्टेरोन, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी है, ठीक है? ग्लूकोज का लेवल भी इंक्रीज करता है और मिनरल्स का भी। देन हम देखते हैं एल्डोस्टेरोन को, एल्डोस्टेरोन जो है बेसिकली ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है जो कि सोडियम के लेवल को इंक्रीज करता है या कंजर्व करता है। अगर हम एड्रिनल कॉर्टेक्स का देखें कि अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो इससे डिजीज होती है एडिसन डिजीज, ठीक है? लेकिन अगर बिल्कुल रिवर्स हो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा अपनी सिक्रीशन कर रहा है तो इसमें डिजीज होती है कशिंग डिजीज, ठीक है? तो ये इन सिचुएशंस में है। इन एडिसन डिजीज तो नॉर्मली मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होती है या वीकनेस, मसल एक्शन की लॉस ऑफ सॉल्ट्स होती हैं, लेकिन इन कशिंग डिजीज क्या होता है कि एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन रिजल्टिंग मस्कुलर एंड बोन वीकनेस, ठीक है? और इसके अलावा क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स के डायबिटीज़ हो जाती है, सो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कशिंग डिजीज। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एंड्रोजिन। एंड्रोजिन जो होते हैं ये सेकेंडरी मेल करेक्टरिस्टिक्स के लिए होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये एंड्रोजिन की स्मॉल अमाउंट मेल और फीमेल दोनों में होती है, ठीक है? लेकिन बेसिकली एंड्रोजिन में ये मसला आ जाता है कि अगर फीमेल में एड्रिनल कॉर्टेक्स के इनर पार्ट में कोई ट्यूमर बन जाए तो उससे फिर एंड्रोजिन ज़्यादा रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर मेल करेक्टरिस्टिक्स भी आ जाती हैं, लेकिन ये केस बहुत ही रेयर होते हैं, राइट? सो इट इज़ द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एंड्रोजिन्स। उसके बाद है गट। गट में मेजर अगर हम देखें तो गट जो है वो एंडोक्राइन टिश्यू के तौर पर एक्ट करता है, राइट? तो उसमें हार्मोन्स हैं दो। सो देयर आर मेजर टू हार्मोन्स इन गट, फर्स्ट ऑफ ऑल गैस्ट्रिन एंड सेकेंड इज सिक्रेटिन।
याद रखिए गैस्ट्रिन जो है वो गैस्ट्रिक जूस जो है उसकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, जबकि सिक्रीटिंग जो है ये पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है, ठीक है। और गैस्ट्रिन का जो डायरेक्ट लिंक है वो स्टमक के साथ है, जबकि सिक्रीटिंग का स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडिनम के साथ है, राइट। और गैस्ट्रिन तब अपना इफेक्ट शो करता है जब इन्फ्लुएंस प्रोटीन फूड का हो इन स्टमक व्हेन आफ्टर इट इज पार्शली डाइजेस्टेड, जबकि सिक्रीटिंग जो है ये अफेक्ट करता है जब एसिडिक फूड ड्यूडिनम की लाइनिंग को टच करती है, ठीक है। सो आई हैव डिस्कस्ड द डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिन एंड सिक्रीटिंग ब्रीफली, राइट। नेक्स्ट इज द गुनेड्स। गुनेड्स में दो चीजें हैं, एक है ओवरी, ठीक है, और दूसरा है टेस्टिस। एज यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, दैट इज ओवरीज प्रेजेंट इन फीमेल्स एंड टेस्टिस आर प्रेजेंट इन मेल्स। ओवरीज में मेजर चीजें हैं दो, एस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टेरोन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एस्ट्रोजिन के बारे में हमारे पास जो बेसिक होती है कि ये एस्ट्रोजिन जो है वो राइपनिंग फॉलिकल जो है उनसे सिक्रीट होता है, ठीक है। एस्ट्रोजिन का मेजर फंक्शन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स इन फीमेल को डेवलप, इट मे बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। तो नेक्स्ट अगर हम देखें कि ये क्योंकि सेक्स हार्मोन है और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से, तो फिर क्या होता है कि जो यंग है वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता और एडल्ट में स्टेरिलिटी आ जाती है। तो ये बेसिकली है। और एक और फंक्शन जो इसका पेंडिंग है वो ये है कि दे एड इन हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ यूट्राइन वॉल आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, कि मेंस्ट्रुएशन के बाद जो यूट्राइन वॉल को हील और रिपेयर करने का काम है वो भी एस्ट्रोजिन करता है। याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजिन के बिल्कुल ऑपोजिट ही होता है इन वन वे और द अदर। बेसिकली होता क्या है कि जो एस्ट्रोजिन है वो क्योंकि राइपनिंग फॉलिकल से बनता है, जबकि ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये रप्चर्ड फॉलिकल से बनता है, ठीक है। और उसके बाद जब प्रोजेस्टेरोन बन जाता है तो इसने क्या करना है, FSH की सिक्रीशन नहीं करनी। जब FSH की सिक्रीशन नहीं होगी तो फर्दर जो फॉलिकल्स हैं वो राइपन भी नहीं होंगे, ठीक है, और उसकी वजह से यूट्रस पे अफेक्ट होता है, ठीक, और यूट्रस की वॉल थिकन और उसके अंदर वैस्कुलराइजेशन होती है, एंड देन ये सारी कंडीशंस ओवरऑल मिलके स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी को मेंटेन करती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज नो ओवुलेशन, इसलिए जब प्रोजेस्टेरोन ये सारे फंक्शंस करता है तो फिर ओवुलेशन नहीं होती। दैट्स व्हाई इट इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल, इट मे बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। नेक्स्ट आर द टेस्टिस। टेस्टिस में बेसिकली चीजें आती हैं दो, एक है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहाँ पे स्पर्मेटोजोआ डेवलप होते हैं, ठीक है, और दूसरी है बिटवीन द ट्यूब्यूल्स रीजंस ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स विच प्रोड्यूस गुनेडल हार्मोन्स, जिनको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द टेस्टिस। तो इसमें हार्मोन कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन एंड 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्ट। सो स्टूडेंट्स, इन द फीटस इट इनिशिएट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, एट प्यूबर्टी इट ब्रिंग्स अबाउट डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स and promotes sex drive. These all are the function of testosterone. So next is very important non-question, feedback mechanism. Feedback mechanism ऐसा एक mechanism होता है जिसमें एक reaction के जो products हैं वही उस reaction को control करने में help करते हैं. It is a type of interaction in which a controlling mechanism is itself controlled by the product of reactions it is controlling. It is a definition of feedback mechanism. And for proper body functions, two opposing systems are needed. If there are accelerated, there must be inhibitors. If one hormone in the body promotes or stimulates reaction, another hormone would be checking the same. So students, ये हमेशा ये nature का एक rule है कि दो opposing system ज़रूरी होते हैं body की proper functioning के लिए, right? इसमें क्या चीज़ होती है, अगर एक reaction को प्रमोट और स्टिमुलेट करने के लिए कोई हार्मोन है तो एक और हार्मोन ज़रूर वहाँ होगा जो उस रिएक्शन को स्टॉप कर रहा होगा। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एग्जांपल ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक इन थायराइड ग्लैंड फंक्शन प्रोवाइड द
best example of feedback mechanism in humans. And the interaction between pituitary and other endocrine glands over which it exerts control is an example of feedback mechanism, and this mechanism is very common in living systems. तो ये example दी हुई है feedback mechanism की. और फीडबैक इन थायराइड ग्लैंड फंक्शन इज डिस्क्राइब नेक्स्ट. सो स्टूडेंट्स, द फीडबैक मैकेनिज्म इन केस ओ थायराइड ग्लैंड हैज बीन इंडिकेटेड ओवर हियर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब दिस मैकेनिज्म. सो मैकेनिज्म इस तरह से है. फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन दिस मैकेनिज्म ब्रीफली कि अगर बॉडी में कोई स्ट्रेस सिचुएशन है या लो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर लो है, तो जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं हाइपोथैलेमस के, वो रिलीज करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, ठीक है, TSH को. तो TSH का काम क्या है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना कि वो अपनी सिक्रीशन करे. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, TSH ने जब स्टिमुलेट करना थायराइड ग्लैंड को, तो वो जब अपनी सिक्रीशन करेगी तो वो सिक्रीशन क्या होगी, थायरोक्सिन. अब थायरोक्सिन से क्या होगी, होगा कि मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा बॉडी सेल्स का, जिसकी वजह से ATP जनरेट होगी और हीट भी जनरेट होगा. इसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी टेम्परेचर, जो कि सबसे पहले लो टेम्परेचर था, जिसकी वजह से मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ था, वो अब बॉडी टेम्परेचर जो है वो हायर हो जाएगा. और इस तरह से अगर थायरोक्सिन लेवल जो है वो हाई हो जाता है, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि इसने इन टर्न इसने क्या करना है कि जो रिलीजिंग हार्मोन है और TSH प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, उनको इसने इनहिबिट करना है, ताकि एक टेम्परेचर पहले लो था और फर्दर वो अब इंटर्न रेज हो चुके हैं और नॉर्मल वैल्यू आ गई है. अब ज़रूरी है कि थायरोक्सिन लेवल जो है वो कम हो, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे से जो रिलीजिंग हार्मोन्स हैं यानी थायराइड ग्लैंड है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसको स्टॉप किया जाए, ठीक है. और उसको स्टॉप करेंगे तो इस तरह से ये एक फीडबैक मैकेनिज्म बन जाएगा, जिसके प्रोडक्ट्स ने ही एक उसके मैकेनिज्म को कंट्रोल किया है, राइट. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द शॉर्ट क्वेश्चन, कंपैरिजन ऑफ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन. तो कंपैरिजन में यू कैन सिलेक्ट 2 to 3 पॉइंट्स फ्रॉम दीज, एंड इफ दे आस्क अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चन देन यू हैव टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स. तो बेसिकली क्या होता है कि बोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, ठीक है, और नर्व सेल्स, बोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स और नर्व सेल जो हैं केमिकल मैसेंजर जो हैं उसको बनाते हैं. दोनों क्या करते हैं, मैसेंजर केमिकल्स एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस ऑफ बॉडी में रिलीज करते हैं, दोनों बॉडी की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी, दोनों का ये काम है, ठीक है. दोनों एक स्पेसिफिक स्टिमुलाइज को ही रिस्पॉन्स करते हैं, राइट, वो चाहे बॉडी के अंदर हो या बॉडी के बाहर, और दोनों का ये काम है बोथ आर होम्योस्टेटिक इन फंक्शन, राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड MCQs इन द गिवन टॉपिक्स. द अपकमिंग टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह. ओके, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल. थैंक यू वेरी मच.